तो गाइस आज मैं ज्वाइन करता हूँ एक रैंडम माइनक्राफ्ट सर्वर और इस वाले सर्वर के अंदर मेरा स्वागत किया जाता है सिर्फ $1 के साथ और मेरे को चैलेंज दिया जाता है कि क्या मैं इस $1 को कन्वर्ट कर पाऊंगा $1 trillion में। हाँ गाइस कर बताओ कि नहीं, जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और उससे पहले ये सर्वर का ओनर मेरे पे हंस रहा था, पता है क्यों? वो बोल रहा था कि तेरी ऑडियंस कैसी है, वीडियोस को लाइक भी नहीं करती। यार वो सुन के यार मेरे को दिल पे लगा यार, ऐसा नहीं करने का दोस्तों, जल्दी जाके लाइक कर दो यार। और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, हम लोग 1 million के कितना क्लोज है यार, बस इतना सा क्लोज है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, अभी फटाक से पहुंच जाएंगे। बाय द वे ये वाले सर्वर का अगर आप लोग खेलना चाहो तो खेल सकते हो, उसका आईपी एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जावा और बेडरॉक दोनों एडिशन के बंदे खेल सकते हैं, तो आओ खेलो और मौज करो। चलो गाइस तो मैं सर्वर के अंदर आ चुका हूं और ये देखो यार ये सर्वर कितना प्यारा है। हां यहां पे आते ही चेरी बायोम के पेड़ लगे हुए हैं, ये देखो गाइस, यानी कि ये सर्वर 1.20.1 के अंदर सेट है, जिसके अंदर आपको नए आर्मर ड्रीम्स वगैरह के साथ खेलने को मिलेगा। और ये देखो ये क्या है, अटेंशन वॉर जोन अहेड पीवीपी इज इनेबल्ड। ओ यानी कि अगर मैं इस लाइन को क्रॉस करूंगा तो पीवीपी इनेबल हो जाएगी। कौन है यहाँ पे आसपास, फोड़ दूंगा। अच्छा मैं अकेले ही खेल रहा हूँ सर्वर के अंदर, क्या कर रहे हो गाइस यार, मैं अकेला खेले खेले थोड़ा सा बोर फील कर रहा हूँ। फटाफट से आईपी लो और ज्वाइन करो, ठीक है, इस सर्वर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आईपी है उससे ये सर्वर ज्वाइन करो, ठीक है। और ये देखो गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $1 है यार, ये सर्वर वालों ने तो यार मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया, लिटरली $1, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। एक काम करते हैं इसका शॉप चेक करते हैं, $1 में एटलीस्ट 54 तो आएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एडमिन शॉप, तो इसके अंदर देखते हैं। ओके तो ये रहा फूड वगैरह सब, तो फूड में देखते हैं कि खाना कितने का मिलता है। हम एप्पल की प्राइस देखते हैं, $30, ओ शिट भाई $30, वो भी एप्पल के लिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $1 है, मतलब मैं खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मेरे पास जो सर्वर में स्टार्टर किट में आता है वही सब बचा कुचा सामान पड़ा है, पर यार मेरे पास अभी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यार, मैं $1 को $1 trillion कैसे बनाऊंगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा बाबू भैया। ये बाबूराव का स्टाइल है गाइस, क्या हो अगर ये सर्वर में जो कोई भी अभी बंदा इस वक्त अमीर है, मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम कर लूं और फिर अगर उससे मैं पैसे मांगू तो वो मेरे को पैसे तो दे सकता है। हाँ ऐसे गाइस मैं अभी के लिए पैसे कमा सकता हूँ, फिर उन पैसों को मैं डबल और ट्रिपल करूंगा। पैसा ही पैसा होगा, वो कैसे वो तो आप लोग देखते जाओ, क्योंकि गाइस ये रही एडमिन शॉप और इस एडमिन शॉप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ खरीद ही नहीं सकते, इसके अंदर हम सामान को बेच भी सकते हैं। जैसे कि ये देखो अगर मैं 64 ऑब्सीडियन को बेचूंगा तो मेरे को $30 मिलेगा। ओके समझ रहे हो गाइस, यानी कि अगर मैं इस तरीके से सामान कलेक्ट करूंगा और फिर उसको बेचूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे। तो देखते हैं यार अभी के लिए मैं कौन सी चीज को बेच सकता हूँ। अगर हम फार्मिंग में चेक करते हैं तो 64 शुगर केन का मेरे को सिर्फ $1 मिलेगा। अच्छा वाटरमेलन के $2 मिलेंगे, वीट का भी $1 मिलेगा, पंपकिन के $7 मिलेंगे। गाइज इसका मतलब यार पंपकिन का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इसका मतलब गाइज अगर मैं पंपकिन की खेती करता हूँ तो मेरे को बहुत पैसे मिल सकते हैं। चलो तो गाइज मेरे को भी पंपकिन ढूंढने जाना पड़ेगा, तो पंपकिन मिलता है विलेजेस के आसपास, तो अभी मैं आ चुका हूँ इसके अंदर और मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ कोई रैंडम लोकेशन पे। तो यार अभी मेरा विलेज ढूंढना इस पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रास्ते में चलते चलते शुगर केन मेरे को मिल चुका है यार, वैसे थोड़ा बहुत पैसा इससे भी मिलता है तो उसको भी कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्या है ना गाइज फ्री की चीज छोड़नी नहीं चाहिए। ओ गाइस अब इतनी बड़ी केव है और अगर मैं यहाँ से सब ऐसा आयरन वगैरह माइन करूंगा उसको बेच के भी मैं पैसा कमा सकता हूँ। देखो यार नीचे पानी है तो फटाफट से कूद जाते हैं पानी के अंदर, लेट्स गो। चलो गाइस तो यहाँ पे मेरे को आयरन मिल रहा है तो फटाफट से इसको माइन कर लेते हैं। ओ भाई मेरा माइनिंग लेवल अपग्रेड हो गया, ये देखो ऊपर, इसका मतलब जैसे जैसे मैं माइन करूंगा मेरा माइनिंग लेवल भी इंक्रीज होने वाला है। चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कोल मिल चुका है तो कोल को भी माइन करते हैं और अपना माइनिंग लेवल इंक्रीज करते हैं। देखो 5 हो गया, ये देखो गाइस माइनिंग करते करते मेरा लेवल 11 हो चुका है। ओ भाई मैंने डैमेज लिया उससे भी लेवल बढ़ता है। चलो गाइस यहाँ पे आयरन है तो फटाफट से इसको तोड़ लेते हैं। तो मैं भी स्पॉन आ चुका हूँ और मेरे को भी ये देखना है कि मैंने आयरन माइन तो कर लिया पर वो कितने रुपए में बिकता है, तो यहाँ पे मेरे को फटाफट से जाना होगा ओर्स वाले सेक्शन के अंदर। या गाइस मैं यहाँ पे आयरन को तो बेच ही नहीं सकता, ये देखो यार मैंने फालतू में इतना आयरन माइन करके टाइम को वेस्ट किया। छी ओ ये क्या है, क्वेस्ट, ओ भाई क्वेस्ट कमिंग सून। ओ ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोग कॉइन से चीजें खरीद सकते हैं और यहाँ पे है आयरन। ओ अगर मेरे पास 20 कॉइन्स होंगे तो मैं आयरन वगैरह और ये सब ले सकता हूँ, और अभी मेरे पास
पास जीरो कॉइन्स है। चलो गाइस तो अभी मेरे को ओर्स माइन करने होंगे क्योंकि ओर्स को बेचने पे मेरे को थोड़ा बहुत तो अभी पैसा मिल जाएगा जिससे मैं अभी फिलहाल का खर्चा तो निकाल पाऊंगा। चलो फटाफट से माइनिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यू हेलो हेलो, ए तुम वर्ल्ड वाइड इस सर्वर के अंदर क्या बात है, कैसे कैसे देखा अभी अभी, कहाँ था तू? मैं अभी यहाँ पे बस माइनिंग कर रहा हूँ यार, पैसे कमाने हैं ना। वो मैंने एक चैलेंज लिया है कि अगर मैं $1 को $1 trillion में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं भी एक्चुअली अमीर बनने का ही चैलेंज ले रहा हूँ। तो मुझे ना एक दिक्कत है पर, पता है, अमीर बनने के लिए यहाँ पे, लेकिन तुझे सेम दिक्कत आएगी। मैं दिक्कत बता दूं तुझे, दिक्कत ये है कि भाई कुणाल नाम का बंदा है एक सर्वर में और वो बीच में बहुत ज्यादा परेशानी डालने वाला है। ओ कुणाल, लगता है वो पहले से अमीर है। हाँ बहुत ज्यादा अमीर है। और मैं देख, मैं अमीर बन पाया नहीं बन पाया वो तो ठीक है, तू चैलेंज लेके बैठा है तो तुझे भी तो बनना ही होगा ऑफकोर्स। हाँ तो हम दोनों का एक ही प्रॉब्लम होगा अभी, क्योंकि देख जैसे जैसे तू अमीर बनेगा तो तुझे भी उससे मुलाकात होगी और तुझे पता चलेगा प्रॉब्लम है वो। तो यार उसको हटाए कैसे यार, वो तो पावरफुल है। हटाने के लिए देख मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि देख तू नया है, तुझे वो जानता नहीं, समझ रहे, और मैं पुराना हूँ लेकिन मुझे उसके बेस के कॉर्ड्स पता है। वो तो तू कुछ कर सकता है, इसमें तेरा भी फायदा ही है। कर लूंगा पर यार मैं ऐसे फ्री में तो नहीं करूंगा कुछ भी काम। देखो देख तेरा भी फायदा ही है यार उसमें। नहीं मैं यार उसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, वो मैं फ्री में नहीं कर सकता। मैं उसका बेस उड़ा दूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं उसको भी मार दूं, तो इसके बदले मैं एक पेमेंट चार्ज करूंगा। थोड़ा बताओ तुम कितना दे सकते हो? अच्छा मैं कितना दे सकता हूँ? $10,000 ठीक रहेंगे? 10? छी यार इतने में कुछ भी नहीं आता, देखा भी है सर्वर में। अच्छा ठीक है, मतलब कितना चाहिए, तो कितना चार्ज कर रहा है? $50,000 भाई, उसके नीचे काम नहीं करूंगा। चल हाँ चल ठीक है, तू मेरा फ्रेंड है दिया, लेकिन वो मरना चाहिए। चलो ठीक है डन है, मैं मार दूंगा उसका बेस भी फोड़ दूंगा और सब कुछ उससे छीन लूंगा। बस उसके बाद अपना दोनों का काटा निकल जाएगा एकदम आराम से। चलो गाइस तो चलो आई, अपने को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके तो गाइस मेरे को भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह तो मिल चुका है, तो मैं अभी समझ तो चुका हूँ कि मेरे को कहाँ पे जाके अटैक करना है। पर यार अगर मेरे को उसका पूरा बेस फोड़ना है तो उसके लिए मेरे को बहुत सारा एक्सप्लोसिव्स लगेगा, तो उसके लिए काम करते हैं। अभी के लिए मेरे पास देखो 5,000 कॉइंस आ चुके हैं। और वो कैसे गाइस, आप लोग इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वहां से मैंने बहुत सारे कॉइंस को परचेस किया है और आप लोग भी परचेस कर सकते हो। तो फिलहाल इन कॉइंस से मेरे को जो है कुछ अपडेट्स लेने होंगे, जैसे कि एक्सप्लोसिव्स हो गया और कुछ भी लाइक इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को भी लेनी होगी। जैसे कि गाइस यहाँ पे है कॉइंस एक्सचेंज, अभी इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये देखो अभी मैंने जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे 50 कॉइंस से मेरे को टोटल ऑफ अंडाइंग मिल रहा है, फिर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल वगैरह वगैरह ये देखो गाइस सब मिल रहा है। चलो गाइस अभी मेरे पास एक आइडिया तो आ चुका है, फिलहाल तो मैं इन कॉइंस से कुछ बाय नहीं कर सकता क्योंकि अभी सर्वर के अंदर वो प्लगइन नहीं डला है। और गाइस अभी मेरे पास जस्ट चेक इट आउट में बस 25,000 मनी आ चुका है और ये पैसा मैंने वर्ल्ड वाइड से अभी मांगा है, क्योंकि यार अब अगर मैं उनसे कुछ ले रहा हूँ लाइक मैं उनका काम कर रहा हूँ तो मैं एडवांस तो मांगूंगा ना, क्योंकि मेरे को भी तो कुछ चीजें परचेस करनी पड़ेगी। तो वो रहा एडमिन शॉप और यहाँ पे चलते और देखते हैं कि मैं क्या क्या चीजें परचेस कर सकता हूँ कि जिससे मैं मेरे दोस्त का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो उसके लिए यार मेरे को TNT वगैरह लगने वाला है। चलो गाइस तो यहाँ पे मिल रहा है $40 का 64 स्टैक गन पाउडर, तो एक काम करता हूँ मैं इसको बाय करता हूँ फटाफट से। ये देखो ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टैक एक काम करते हैं अपन ले लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद अभी मेरे को सैंड बाय करनी होगी क्योंकि गाइस हम लोग जो है सैंड से लाइक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सैंड एंड हियर वी गो, तो मेरे पास इतनी सैंड वगैरह आ चुकी है। ओके तो इतना सामान आएगा काफी रहेगा मेरे को अगर उसको फोड़ना है तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं अभी के लिए मैं रैंडम टेलीपोर्ट होता हूँ कहीं पे और सबसे पहले क्राफ्ट करते हैं बहुत सारे TNTs। चलो गाइस तो मैं भी ओवरवर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को फटाफट से रखना होगा क्राफ्टिंग टेबल, लेट्स गो। और यहाँ पे गाइस मेरे को बहुत सारे TNTs को क्राफ्ट करना होगा। ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे TNTs में बना पाऊंगा और अभी मेरे पास 48+64 TNTs आ चुका है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं स्टोर पे और कुछ ना कुछ लाइक ऐसे डायमंड्स वगैरह बाय करते हैं जिससे जो है मैं खुद को आर्मर अप कर सकूं। बूम, तो मैं चलो स्पॉन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे एडमिन शॉप पे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे को फटाफट से कुछ लाइक ऐसे डायमंड्स वगैरह देखना पड़ेगा अगर मिलता है तो, क्योंकि आई गेस गाइस डायमंड्स तो नहीं मिलेंगे। और खाना है भाई, तो सर सबसे पहले खाना लो यार, खाने की कमी है यार मेरे को। चलो तो गाइस यहाँ से मैं फटाफट से एंडर चेस्ट बाय करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिलहाल के लिए आई गेस मैं डायमंड्स बाय नहीं कर सकता। ये तो प्रॉब्लम हो गई गाइस। तो चलो यार मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज बाय करता हूँ जिससे मैं एटलीस्ट उसको मार पाऊँ, क्योंकि गाइस वो बंदा भी फुल नेदरराइट में होने वाला है और उसको मारना बहुत डिफिकल्ट होगा। नेदरराइट के ब्लॉक ही दे दो भाई। चलो गाइस अभी मैं आ तो चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में, पर यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं भाई, इनका डैमेज बहुत ही ज्यादा है यार। ओके मेरे को बच बचा के उसकी कोऑर्डिनेट्स पे जाना पड़ेगा। वो देखो यार वहाँ कहीं पे वो रहता है अभी फिलहाल के लिए, पर यार वहाँ कहीं पे तो मेरे को कुछ भी बेस जैसा घंटा नहीं दिख रहा यार, वो कहाँ रहता होगा पता नहीं। जो
भी होगा इस पर अभी के लिए काम करते हैं। मैं फटाफट से लकड़ी देता हूँ और यहाँ से बटन वगैरह बनाता हूँ ताकि मैं TNTs को एक्टिवेट कर सकूँ। ठीक है चलो, तो मैंने बटन तो बना लिए, अभी के लिए काम करते हैं। मेरे पास बोट है ना, ठीक है चलो। और वहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने को आराम से जंप मारते और भागो भागो भाई, कतई भाग लो यहाँ से, इतने सारे मॉन्स्टर्स है ना पीछे में, क्या बताओ। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यार कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो एक सेकंड यहाँ कहीं पे ही है यार लोकेशन, पर यहाँ पे कहाँ रहता होगा भाई वो। कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे दिखा रहे, एक सेकंड चेक करूँ। हाँ यार कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ के है यार, पर यहाँ पे कहीं पे मेरे को कुछ भी बेस जैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे कहाँ पे कैसे रहता होगा यार, एक सेकंड, कोई अंडरग्राउंड बेस तो नहीं है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं पे अंडरग्राउंड बेस बनाया है। तो एक काम करते हैं, सारे पेड़ वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ सारे बहुत है, और अगर कोई अंडरग्राउंड बेस बनाएगा तो पेड़ के लाइक कनेक्टेड ही कहीं वॉल वगैरह कुछ रखेगा। वेट गाइस, यहाँ पे कॉबलस्टोन, ये कॉबलस्टोन ये पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को, पर अभी के लिए काम करते हैं, इनको ठिकाने लगाते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स, ये बैस की टांग इतना ऊपर चढ़ गई है, ओ बैस की, चल चल क्रीपर फूट गया, ये सब तो मर चुका है, एंड तू भी मर जा साले। ओके भाई ये लोग तो आए जा रहे भाई, रुक ही नहीं रहे, ए भग जा यहाँ से नूबड़े। अच्छा चलो गाइस, अभी मॉब्स तो गए, और यहाँ पे देखो, ओए ये राकुलाल भाई अंदर ही है पक्का भाई, ये कॉबलस्टोन के नीचे एंट्रेंस होगा, पर यार अगर मैं जाऊंगा तो वो तो यार मेरे को पेल देगा यार। गाइस इसके पास तो नेदरराइट है यार, अब मैं अंदर भी कैसे जाऊं। चलो गाइस, अभी मैं फटाफट से स्पॉन पे गया और यहाँ से एक इनविजिबिलिटी का पोशन लेके आ चुका हूँ ताकि कुणाल मेरे को देख ना सके, ठीक है। और मेरे को यार चेक करना पड़ेगा कि उसके बेस के अंदर क्या क्या लूट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको खाते हैं, और ओ भाई सबसे पहले मेरे को ये पीना पड़ेगा इनविज वगैरह, क्योंकि ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ गए भाई। अब बैस की टांग, ओके मैंने इनविजिबिलिटी का पोशन तो पी लिया है अभी, और अब बैस की मार रहे तो अब इतने सारे बैस की टांग में फटाफट से अंदर चला जाता हूं। ओके लेट्स गो, आई एम सेफ, अभी मेरे को शीट हटानी पड़ेगी, शिट और शिट, ओके ओके, ओ ये रहा पुनात, ओ शिट ज़ॉम्बीज आ गए अंदर, शिट, ओ भाई ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं, शिट यार ये इनकी पोल खुल सकती है मेरी। वेट वेट गाइस, प्रॉक्सिमिटी चैट ऑन करता हूं भाई, एकदम से पता नहीं यार ज़ॉम्बी कहां से आ गए भाई, मैं तो अपना काम वगैरह कर रहा था। एक सेकंड, अभी ऊपर कॉबलस्टोन लगा था, अबे यार एक सेकंड, ये कोई आया है क्या, ज़ॉम्बी कॉबलस्टोन कब से तोड़ने लग गए भाई, एक सेकंड चलो भाई मैं ही भूल गया हूं, चलो। ओ एक सेकंड, ये कोई तो है ये भाई, कौन है ये, एक सेकंड भाई, यार मेरा आर्मर भी लेके चले गया भाई, शिट 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 शिट, मेरे को जाना पड़ेगा गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा यार, मैं आर्मर लेना भूल गया यार, पता नहीं उसका कैसे आर्मर चला गया। वेट वेट वेट, एक सेकंड, कुछ तो ग्लिच हुआ होगा, पर यार एक काम करते हैं अभी फटाफट से इनको निपटाते हैं यार। गाइस मेरा पिंग भी आ रहा है अभी, शिट ओके, अभी यार मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं वापस से इनविज होता हूं, और अब मैं वापस से लूटने जाऊंगा, अब मैं जा चुका हूं तो शायद उसको शक नहीं होगा अभी, लेट्स सी। भाई यार मेरा आर्मर बच गया, चलो वो चीज अच्छी है, बट यार मेरे स्वॉर्ड वगैरह सब चले गए भाई। ओह कौन है ये भाई, कौन है ये, पकड़ो उसको भाई, बिना पूछे कैसे आ सकता है भाई कोई ऐसे। शिट गाइस वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया यार, शिट शिट शिट, एक काम करता हूं मैं फटाफट से ब्लॉक्स निकालता हूं, अरे इसकी भैंस की टांग, रेंडर पल्स भी नहीं है मेरे पास तो, वो निकलो 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 जल्दी 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 निकलना पड़ेगा, इसका बेस में सुबह आके फोड़ता हूं, ठीक है। ओ गाइस जल्दी निकलो यार, वो तो पीछे ही पड़ चुका है। चलो गाइस अभी थोड़ा सा ना मामला शांत हुआ है, और मैंने शॉप से ना एंडर पल्स और कुछ और सामान को भी बाय कर लिया ताकि मैं इमरजेंसी के लिए बच तो जाऊं एटलीस्ट। ओके आराम से चलते हैं गाइस, ओके ओके चलो 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 आराम से चलना होगा भाई, उसको शक हो गया होगा पूरा का पूरा मेरे पे, ठीक है। पर यार कोई बात नहीं, अभी एंटरपल को यूज करते हैं फटाफट। ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और उसका बेस कहाँ पे था यार, एक तो उसका पेड़ भी भूल गया मैं, कौन से पेड़ के नीचे रहता है वो। चलो गाइस तो देखो ये रहा उसका बेस, अभी चलते हैं फटाफट से इसके अंदर, और ये रहा वो, ए कुणाल हेलो हेलो, ए देख सुन 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 मेरी बात सुन, इससे पहले कि तू मेरे को कुछ करे, अबे मैं नीचे हूँ, तू मेरे चुराया था क्या मेरा सामान, अबे हाँ, अबे तो फिर ये क्या हरकत है भाई। देख यार अब वो एक्चुअली मैं सर्वर का सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। तू अमीर बनेगा सामान चुरा के, तू अमीर बनेगा, वो भी मेरे से ज्यादा अमीर बनेगा। हाँ भाई इस सर्वर में ना मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ तो कुणाल यार क्या तेरे को क्या है, हाँ मैं यहाँ पे अमीर बनू तेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ क्या बकवास पेल रहा है, क्या दिख नहीं रहा, ये देखो यार मैं पूरा पूरा आर्मर पहने हुए हूँ और इसको मैं दिख नहीं रहा, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं दिख रहे भाई सही में। अबे हाँ मेरे कुणाल की हिट्स ही नहीं पड़ रही है, ओए बैस की टांग, अबे मैं इमॉर्टल तो नहीं बन गया क्या, व्हाट द हेक गाइस ये कोई ग्लिच है क्या भाई, मैं एक्चुअली मैं इमॉर्टल बन चुका हूँ, और कुणाल को देखो कितना पेल रहा हूँ, उसकी एक मार मेरे को, ये देखो एक हिट भी नहीं पड़ रहा मेरे को इस बंदे का, लॉल भाई
गया कुनाल, तू गया, तू गया भाई, छह एचपी, 3, 2, 1, लौंडा खत्म है भाई, किल्ड भाई, यू प्लेसर, इसका सारा सामान मेरे को मिल चुका है गाइस, जस्ट चेक इट आउट यार, भाई मेरा सामान दे दो यार भाई, तेरे को तेरा सामान नहीं मिलने वाला भाई, ज्यादा अमीर बनना था ना तेरे को, अब गाइस कुनाल नहीं मैं अमीर बनने वाला हूँ और उसका सारा सामान मैं ऑक्शन में बेचूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। भाई यार तुमने सही नहीं करा पता है यार, अरे क्या यार, चल फक कुनाल, चलो गाइस मेरे को उसका सारा सामान तो आ चुका है, गोल्डन एप्पल्स भी ले लेते हैं और यहाँ से ये सब ले लेते हैं गाइस, सब कुछ बेचेंगे ऑक्शन में, ठीक है सब कुछ बेचेंगे, डायमंड वगैरह, ठीक है चलो गाइस चलते हैं स्पॉन पे, पैसा ही वैसा होगा और हाँ वर्ल्ड वाइड से बाकी 25,000 की भी तो पेमेंट लेनी है। चलो गाइस तो हमें स्पॉन पे आ चुका है और ये देखो कुनाल कितना गरीब हो चुका है, ओ ले 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 बेचारा, और गाइस ये देखो सारी चीजें मैं भी सेल करने वाला हूँ, एएच सेल, और उसके बाद में इसकी प्राइस डालूंगा $50,000, ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने मेरी चेस्ट प्लेट डाल दी $50,000 के अंदर और उसके बाद में मेरी हेलमेट डालूंगा, इसको मैं डालूंगा 55,000 के अंदर, ठीक है ये गाइस ये गया 55,000 में, फिर उसके बाद ये हेलमेट भी जाएगा 55,000 में, फिर ये लेगिंग्स जाएगी और उसके बाद ये नेदरराइट के बूट्स भी जाएंगे, बेस की टांग, फिर ट्राइडेंट, इसको ट्राइडेंट तो यार बहुत रेयर होता है गाइस, तो मैं इसको 60K का बेचूंगा, ठीक है ओ भाई साहब 60K का ट्राइडेंट गया, 60K के गोल्डन एप्पल्स और ऊपर से और 60K के गोल्डन एप्पल्स बेचते हैं और 60K में ये एक्स बेचते हैं, लिटरल यार मेरे पास जितना भी सामान था मैंने सारा बेचने को डाल दिया है अभी, और जैसे ये सारा सामान बिकेगा भाई पैसा ही पैसा होने वाला है, और इन फैक्ट गाइस मैं अभी ये सारे डायमंड्स भी बेचने वाला हूँ, और एक काम करते हैं कि ये डायमंड्स को ना मैं थोड़ा सा हायर रेट पे बेचता हूँ, क्योंकि ना डायमंड्स की वैल्यू बहुत है और वो डायमंड्स कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, तो 1.5 लाख का एक स्टैक डायमंड बेचूंगा भाई, मैं पूरा आर्मर एन्चेंटेड बचा है भाई मेरे पास अभी भी, इसको भी बेचते हैं यार, इसको भी 1.5 लाख में बेचते हैं, और ये क्या है ग्लिच गाइस, ये सर्वर में अलग ही ग्लिच हो रहा है भाई, मेरे को लिटरली 2 लाख इनविजिबिलिटी लग चुका है भाई, मैं क्या लाइफ टाइम इनविजिबल रहूंगा भाई, सर्वर में लिटरली मजा आ गया यार, क्या ही ग्लिचेस है गाइस, इससे आप लोग इजीली अमीर बन सकते हो। ये देखो गाइस सारी चीजें मैंने यहाँ पे बेचने को डाल दी है और देखते हैं कितने टाइम में बिकता है ये। One day later. चलो गाइस सर्वर ज्वाइन किया अभी सुबह सुबह मैंने, और ये देखो एक सेकंड गाइस मेरे लेफ्ट साइड पे देखना $1 million मेरा बैलेंस हो चुका है ब्रो, व्हाट द हेक गाइस, मैं अभी लिटरली नंबर 1 पे आ चुका हूँ लीडर बोर्ड के अंदर, और बेस की मैंने पहले ऑलमोस्ट पूरी इन्वेंटरी बेच दी, फाइनली ट्रिलियनर बन चुका हूँ, और गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कौन से ग्लिच की वजह से बना हूं मैं, और अगर आप लोगों को इस टाइप के और भी ग्लिचेस फाइंड आउट करने तो जल्दी जाके सर्वर को ज्वाइन करो, आईपी वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगी। तो गाइस जस्ट चेक इट आउट, अभी मैं बहुत टाइम के बाद वापस से सर्वर में आया हूं, और गाइस मेरा बैलेंस 2.6 मिलियन हो चुका है अभी। गाइस जो पैसे मेरे को सामान बेचने पे मिले थे वो तो मिले ही थे, ऊपर से मेरे को ओनर ने 1 मिलियन से ज्यादा और रुपीस दे दिए, क्योंकि गाइस मैं सर्वर की इकोनॉमी को बहुत एक्टिव रख रहा हूँ। लेट्स गो गाइस, मतलब आपको इस तरीके से एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो गाइस चलो आज के सारे वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आप लोग भी ऐसे ही एक्टिव रहोगे इस वाले सर्वर के अंदर तो आप लोगों को भी कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।